हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स का लेक्चर है, और मैथमेटिक्स में हम जो है बात करेंगे वो टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो टाइम एंड डिस्टेंस का ये जो है अगला लेक्चर है, इसके आगे का जो है हम यहाँ पे पार्ट लेके आए हैं। तो इसके बारे में बताएंगे किस प्रकार के जो है आप टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उन सभी की ट्रिक्स हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो इसका जो है देरी ना करते हुए हम इसके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो है पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक मिनट। हाँ, कह रहे हैं एक हवाई जहाज जो है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक हवाई जहाज अपने गंतव्य से 1500 किलोमीटर की दूर पर, एक ही दूरी पर जो है एक निर्धारित स्थान से 30 मिनट देर से उड़ान भरता है। मतलब जो निर्धारित समय है उससे 30 मिनट देर से वो उड़ान भरता है, और निर्धारित समय गंतव्य तक पहुंचने के लिए 30 मिनट उसको किसी वजह से देर हो जाती है। अब उसे समय पर पहुंचना है, तो यहाँ पे बताया गया है कि वो 250 किलोमीटर जो है अपनी चाल में जो है वो वृद्धि करता है। 250 किलोमीटर जो है अपनी किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल में वृद्धि करता है, उसके बाद वो जो है समय पर पहुंच जाता है। तो इस यहाँ पे आपको बताना है, तो हवाई जहाज की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, हवाई जहाज की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे, हम इसी फॉर्मूले से करेंगे, हम लॉन्ग फॉर्मूला कोई भी यूज नहीं करने वाले यहाँ पे। देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें जो दूरी दी गई है वो 1500 किलोमीटर टोटल दूरी दी गई है, जितनी चाल वो बढ़ा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना दिया गया है, 1500 किलोमीटर की पूरी दूरी दी गई है, 250 किलोमीटर की प्रति घंटे अपनी चाल को बढ़ाता है। हमने ले लिया उसकी प्रारंभिक चाल x थी, और जो बची हुई चाल है वो x प्लस 250, मतलब जो बढ़ी हुई चाल है x प्लस 250, ऐसा हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ये जो है 30 मिनट जो है इसको ज्यादा समय लगता है, तो 30 मिनट का होता है आधा घंटा। 30 मिनट को डिवाइड कर देंगे 60 से, क्योंकि ये सब किलोमीटर में दिया गया, तो यूनिट जो है घंटे में होनी चाहिए, तो ये 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। अब कुछ करिए ऐसा कि इसको जो सॉल्व करें तो ये 1/2 आ जाए। देखिए यहाँ पे सारी चीजें चाल में दी गई हैं, किसमें दी गई हैं, x की वैल्यू जो हमें पता करना है, x जो है वो चाल बताई गई है। क्या बताई गई, चाल। पहले उसकी चाल x थी, अब उसमें x प्लस 250 कर दिया गया है, मतलब 250 और जोड़ देना है उसमें, ठीक है। तो अब देखिए, यदि हम यही ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, यदि हम सॉल्व करना चाहें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि लंबी होती है, हमें केवल 3 और 3 चेक करना है। ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया है, तय नहीं किया जा सकता, तय हम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये ऑप्शन गया बिल्कुल। 5वें नंबर का ऑप्शन के लिए हम यहाँ चेक करेंगे, ठीक है। 5 नंबर ऑप्शन के लिए यहाँ पर चेक करेंगे कि ये तीनों में से कोई अगर जो नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं जो है हो जाएगा आंसर। तो देखिए 650 पे चेक कर दीजिए, x की वैल्यू यहाँ पे 650 रखेंगे। देखिए x की वैल्यू जैसे हम 650 रखेंगे तो ये 650 हो जाएगा, और गुड़े यहाँ पे 250 जोड़ देंगे, कितने में, 650 में, तो 900 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 250, x की वैल्यू जो है 650 है, तो उसमें जोड़ रहे हैं 250, तो इतना हो जाएगा। क्यों, ये पहला वाला ऑप्शन हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, अब बचेगा 25, 9 यहाँ पे बचेगा, अब बोलिए 9 यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 का 5 गुना 15 होता है, ठीक है, 3 का 5 गुना 15 होता है। यहाँ पे देखिए 650 जीरो कैंसिल हो गया था, तो 13 5 65 होता, तो नीचे आ गया 13, अब बोलिए 13 और 3 39, और यहाँ पे 5 25 हो जाएगा, 25 यहाँ पे आ जाएगा, तो 25/39 ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है 1/2 के। जब 1/2 आ जाए बस वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसके इक्वल भी नहीं आना चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेट भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इक्वल ही आना चाहिए, तो इक्वल वाला ही हम यहाँ पे चूज करेंगे। अब दूसरा हम देख लेते हैं, कंडीशन चेक कर लेते हैं, दूसरा हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 1500 और गुणे कर दिया यहाँ पे 250। अब x की वैल्यू हम 750 लेंगे, 750 में
250 और जोड़ेंगे वहीं पे x प्लस 250, तो 1/2 आ जाना चाहिए था। तो यहाँ पे हमने ले लिया 750 गुणे 250, सॉरी 250 प्लस 750, 750 में 250 जोड़ोगे तो 7 में 2 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, और 50 50 जोड़ दोगे तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 यहाँ पे हमने और जोड़ दिया, 30 से 30 कैंसिल कर दिए हमने, 25 का 3 गुना होता है 75, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 15 का 2 गुना होता 30, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो 1/2। इसका मतलब हमारा यही वाला आंसर है सही, कौन सा, दूसरा नंबर का जो है आंसर सही है, तो ये वाला हमारा सही आंसर, इसी को हम टिक कर देंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले से हम ऐसे करेंगे। यदि नहीं करना चाहें तो सॉल्व करके भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति जो है वो 120 किलोमीटर की यात्रा को जलयान से तय करता है, 450 किलोमीटर की रेलगाड़ी से तय करता है, और उसके बाद में 60 किलोमीटर की यात्रा को घोड़े से तय करता है, उसको कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से ये यात्रा तय करता है, ठीक है, 13 घंटे 30 मिनट का उसको इतनी दूरी तय करने में 13 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल की 3 गुनी है, रेलगाड़ी की जो चाल है वो घोड़े की चाल की 3 गुनी, और अगली बात कर रहे हैं जलयान से 1.5 गुनी है, जलयान का 1.5 गुना है, तो आपको बताना है रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटे में क्या होगी, फिर 1 घंटे में रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, इसको हमें निकालना है। अब हमें देखना है टोटल दूरी, तो हमें पता हो गई है कितनी कितनी टोटल दूरी दी गई है ये पता है, और उसी के अनुपात में अगर जो हमें चाल भी पता हो जाए तो हम पता कर लेंगे, पहले 120 है फिर 450 है फिर 60 है, तो हमें सीरियल से लिखेंगे, जलयान के द्वारा जो दूरी तय करता है वो 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 450 उसको जो है तय करता है रेलगाड़ी से तय करता है, 60 किलोमीटर की दूरी जो तय करता है वो घोड़े से तय करता है, ये इनकी क्या दी गई है स्पीड दी, सॉरी दूरी दी गई है, तो ये डिस्टेंस दी गई है और इसके नीचे स्पीड पता कर लेते हैं। कह रहे हैं घोड़े के द्वारा जो दूरी चली चाल है, घोड़े की जो चाल का 3 गुना रेलगाड़ी की चाल है, यही तो कह रहे हैं, घोड़े की चाल किसे 3 गुनी जो है वो रेलगाड़ी की चाल है, तो 3 हम कर देते हैं रेलगाड़ी की चाल, घोड़े की चाल 1 गुना है, 1 का 3 गुना रेलगाड़ी की चाल 3। अब उसके बाद में कह रहे हैं कि जलयान की चाल से 1.5 गुनी है, रेलगाड़ी की जो चाल है वो जलयान के चाल की 1.5 गुनी है, तो बोलिए जलयान की चाल तो 3 है, 3 का 1.5 मतलब जलयान की चाल का 1.5 गुना, तो जो भी जलयान की चाल होगी उसका 1.5 गुना 3 होगा, तो बोलिए अगर जो हम 2 रख दें तो 2 में 1 और जोड़ेंगे तो 1.5 गुना जो है 3 आएगा, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, जलयान की चाल मान लिया, जलयान की चाल जे है उसका 1.5 गुना जो बराबर है वो 3 के बराबर है, तो जलयान की चाल हमें निकालना है, तो 3/1.5 ये 0.5 हटेगा तो 0 जाएगा, 15 का 2 गुना 30 होता है तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 आ जाएगा, ऐसे भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये हमने कर लिया यहां से। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब कह रहे हैं कि 13 घंटा कुल जो समय लगता है 13 घंटा 30 मिनट, मतलब ये जो है केवल चाल दे दी गई है, ये चाल का हमने रेशियो फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया, रेशियो निकाल लिया। अब इसको अगर जो हम इससे डिवाइड कर दें, इसको इससे डिवाइड कर दें, इसको इससे डिवाइड कर दें, तो दूरी बटे चाल बराबर समय नहीं बता देता है, और इन सबको जोड़ दें, इन सबको जोड़ दें तो हमें 13 घंटे 30 मिनट को 13.5 घंटे लिख सकते हैं, 13.5 घंटे, आधा घंटे को घंटे में कन्वर्ट करेंगे 0.5 आएगा, ठीक है, मिनट में लिखेंगे 30 मिनट होगा। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि x हम अगर जो पता कर लें, x हम सबसे पता कर लें तो हमें ये पता हो जाएगा कि इनकी चाल जो है 2x है, इनकी चाल 3x है, इनकी चाल जो है x है, यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता इसलिए यहां से केवल 1 ही रखिए। अब इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे 60 आ जाएगा, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 150 आ जाएगा। अब इसको कुछ डिवाइड नहीं करना, यहां पे एक सबके नीचे एक से एक आ गया, सबके नीचे एक आया, सबका हर समान है, ऊपर ऊपर की जोड़ लीजिए, 60 60 120 120 प्लस 150 बराबर कितना हो जाएगा 270, कितना हो जाएगा 270, देख लीजिए हम 270 यहाँ पे लिख दिया है, अपान एक्स, एक्स सबका सेम है, हर सबका सेम है, तो हम सब वैसे ही लिख देंगे, बराबर 13.5।
ये 13.5 इधर ले आएंगे, x की वैल्यू जो कितनी हो जाएगी, x बराबर जो हो जाएगा 270 बटे 13.5, ये पॉइंट हटेगा तो यहां पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। 27 का 5 गुना होता है 27 × 5 = 135, और यहां पे 100 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, इधर लिख लेते हैं 100/5, तो 5 का 20 हम 100, तो मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 20, x की वैल्यू 20 है, बोलो x की वैल्यू 20 है। तो रेलगाड़ी की चाल पूछे थे, किसकी रेलगाड़ी की चाल बताना है प्रति घंटे में, तो रेलगाड़ी की चाल 3 × x, x की वैल्यू 20 है और 3 इसमें यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 × 3 = 20 × 3 = 60। रेलगाड़ी की पूछे तो रेलगाड़ी की भी पता कर सकते हैं, किसी की भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जो होगी वो रेलगाड़ी की होगी। तो ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, इसका अगला लेक्चर दोस्तों नेक्स्ट डे आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।